अच्छा ये लग रहा है मुझे जिना हाउस। बस मैंने बताया पुलिस वालों को, कहते हैं कि भाई कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से। तो बड़े हैरान हुए, तुम किधर? मैं क्या पाकिस्तान से हूँ तो जिना का घर देख रहे हैं ना। वारली, वैसे इस इलाके का नाम है वारली। यहाँ पे जो सारी आपको मुंबई की बड़ी बिल्डिंग्स जो टावर्स नजर आते हैं ना, जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मुंबई का आपके जहन में, वो ये वाला इलाका है। तो क्या है क्या? पनीर टिक्का मुल्तानी। पनीर टिक्का मुल्तानी। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि पानी की जो दो बोतलें थी ना, उसके 200-450 रुपए पे गई हैं। रोज तो अमेजिंग है। थैंक यू सो मच सर। अभी ये चेक करते हैं फिर पता चलेगा। थैंक यू फॉर जो मोस्टली लोग इस इलाके में रहते हैं ना, दे आर वेरी रिच पीपल। मतलब यहाँ पे BMW तो ऐसे ही लोगों ने सड़क के किनारे पे खड़ी की हुई है। अच्छा, नाउ आई एम लिटिल लॉस कि मैं किस एरिया में फिर रहा हूँ, लेकिन ये भी काइंड ऑफ फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे ढाबे लगे हुए हैं, साइडों पे लोगों ने खाने की रेड़ियाँ लगाई हुई हैं। आज मुझे तकरीबन एक महीना हो गया इंडिया में ट्रैवल करते हुए। मैंने पंजाब से अपना ट्रैवल शुरू किया था, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी से होते हुए अभी मैं पहुंच गया हूं मुंबई। इस एक महीने में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे बढ़कर ये एक्सपीरियंस करने को मिला कि जो दोनों मुल्कों के बीच में नफरत है वो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया की हद तक है। तो जो आज का स्पेसिफिक प्लान है वो ये है कि कुछ मेरे इंडियन दोस्त हैं उनके साथ घूमेंगे और मुंबई देखेंगे। चिकन, उसके ऊपर जो क्रीम डाली है ना, स्पाइसीज है उसमें एकदम अमेजिंग। इंडिया में ना मेरे ख्याल से 12-13 सिटीज में तो गया हूँ, जो बेस्ट खाना था ना वो मुंबई का। मतलब दिल्ली का खाना भी अच्छा था, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा खाना मुझे यहाँ का ज़्यादा पसंद आया। ये चिकन की कोई डिश है जिसके ऊपर क्रीम सी उन्होंने डाली हुई है, वो डेफिनेटली इनके कुछ स्पेसिफिक स्पाइसेस भी होते होंगे, लेकिन उसका टेस्ट है ना तो सो अमेजिंग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय इंडियन ट्रैवल सीरीज़। मेरा नाम सनी है और आज मैं दोबारा मुंबई फिर रहा हूँ। पिछले कई लोग मैंने आपको मुंबई दिखाया था, लेकिन उसमें ज़्यादातर मैं जो ओल्ड मुंबई था ना, जिसकी कोर चीज़ें थी, जिससे थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड थी, वो दिखाई थी। आज का प्लान यह है कि मेरे कुछ इंडियन कोलीग्स थे जिनके साथ मैं जर्मनी में एक प्रोजेक्ट पर काम करता रहा हूँ, तो आज वो कोलीग्स मुझे यहाँ से पिक कर रहे हैं होटल से, उनके साथ मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये किरण भाई जिसका मैं आपको बता रहा था, इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी जर्मनी में। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था जो हम इकट्ठा प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो आज का जो सारा दिन है किरण भाई के साथ इंशाल्लाह सारा मुंबई देखेंगे। किरण भाई को एक बात मैंने कही है, एक तो अच्छे खाने मुझे खिला दें, क्योंकि खानों का मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इंडिया में आ कर। दूसरा यह कि बाकी की प्लानिंग इन्होंने खुद ही करनी है। ओल्ड जो मुंबई था वो मैंने आपको कल दिखा दिया था। आज उम्मीद है कि जो थोड़ा डेवलप्ड एरिया है, ताकि आप ये भी फीलिंग्स आ सके कि एक्चुअली मुंबई कैसा है। तो आज का दिन सारा प्लान किरण भाई का है। ओके, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। किरण भाई, हमें लिखा फूड कोर्ट, मैं कहा आप इंटरेस्टिंग साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली मैं मॉल्स ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन ये मुझे काफ़ी लोगों ने पहले रिकमेंड किया था कि अगर मुंबई में होना तो ये एक मॉल है तो ज़रूर विज़िट करने वाला है। अब यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स की शॉप्स हैं, थोड़ी वो विंडो शॉपिंग करेंगे, देखेंगे यहाँ पर प्राइस वगैरह क्या है, कोई रीज़नेबल चीज़ें हैं तो शायद शॉपिंग भी कर लेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर है फूड कोर्ट। अच्छा, नॉर्मली मुझे खानों में ना कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता, और ना ही मैं ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ, मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। चलें, अभी काफ़ी है, बाकी बाद में ट्राई करते हैं। तो क्या है क्या? पनीर टिक्का मुल्तानी। पनीर टिक्का मुल्तानी। लेकिन इस खाने का दुख इसलिए हो रहा है, एक तो खाने का मज़ा नहीं आया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि पानी की जो दो बोतलें थी ना, उसके 200-450 रुपये पे गई हैं। मतलब नॉर्मली एक पानी की बोतल के 20 रुपये पे कर रहा हूँ पिछले एक महीने से, और आज दो बोतल के 450। तो यहाँ से ना मुंबई की वाली फीलिंग्स आनी शुरू हुई हैं। अब लग रहा है कि मुंबई आ गए हैं। मुंबई को ना सिटी ऑफ ड्रीम कहा जाता है, मतलब ये बॉलीवुड का हब है,
जो ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो इसी सिटी में रहती हैं, और जो ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्म्स हैं वो भी इस सिटी में ही शूट हुई हैं। बैंडस्टैंड, दिस इज बैंडस्टैंड। यहाँ पे क्या स्पेशल है? दिस इज लाइक सेलिब्रिटी एरिया, यू विल फाइंड सेलिब्रिटी डूइंग जॉगिंग हियर, ये सबको घूमते हुए दिखेंगे। कितने बजे? अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग को भी। इवनिंग तक रुकते हैं, मॉर्निंग तो मुश्किल है। ये साइड पे पार कर ले। अच्छा, अभी जिस इलाके में ना, इसको कहते हैं साउथ मुंबई, वारली, वैसे इस इलाके का नाम है वारली। यहाँ पे जो सारी आपको मुंबई की बड़ी बिल्डिंग्स जो टावर्स नज़र आते हैं ना, जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मुंबई का आपके जेहन में, वो ये वाला इलाका है। और अभी जिस ब्रिज से आया ना, इसको बोलते हैं बांद्रे वारली, वारली सीलिंग, क्योंकि जो बांद्रे है वो दूसरा इलाका है। जो भी भाई बता रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो इलाका ज़रा अमीर लोगों का, उस इलाके को इस मेन इलाके से कनेक्ट करने के लिए तो गवर्नमेंट ने ये ब्रिज बनाया था, जिससे काफ़ी टाइम बच जाता है अमीर लोगों का उधर से इधर आने के लिए। बस तो हम जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पैसे देने पड़ते हैं ना। हाँ, टोल दे के तो आप इस ब्रिज से इधर आते हैं। जी वैगन, ये सारी जी वैगन खड़ी हैं, ये सारी अच्छी गाड़ियाँ हैं, ये इसी इलाके में नज़र आती। मेरे ख्याल इतनी वैसे मुझे और किसी जगह पर नज़र नहीं आई मुंबई के इस इलाके में, और भी ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। मतलब थोड़ा शौक है मुझे गाड़ियों का, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। और वैसे तो गाड़ियाँ प्रेजेंट भी करती हैं ना कि किस इलाके में किस किस स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, वो एस क्लास जा रही है। मुंबई में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। एक तो उन्होंने काफ़ी सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, जिसको साथ साथ मरम्मत भी करते रहते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो ज़्यादातर लोग हैं मुंबई के, वो ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। तो वैसे मुंबई में और क्या कर सकते हैं अगर वीकेंड प्लान करना हो तो? मुंबई में पार्टी, नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। फिर मुंबई में ये घूम सकते हैं, ये जो जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी कहते हैं जस्ट लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उतनी सारी, मतलब मुंबई में आप घूम घूम के परेशान हो जाओगे। फिर ट्राई करो मुंबई, पुरानी मुंबई में भी बहुत सारे, जैसे मार्केट में आपको कुछ खरीदना है तो सो दैट इज आल्सो गुड, कैन एक्सप्लोर इट। मतलब मार्केटें यहाँ पर ना, ओपन मार्केटें, कल जहाँ मैं घूम रहा था वहाँ मुझे काफ़ी मज़ा आया था। एक तो माहौल अच्छा था, रौनक अच्छी लगी हुई थी, शॉपिंग का ही मज़ा आ रहा था। मैंने कुछ घर के लिए शॉपिंग करनी थी, कुछ ज्वेलरी वगैरह इंडिया की ना, कि स्पेसिफिकली घर वालों को पसंद थी, तो एक शॉप से मैंने जो चीज़ें 700-800 रुपये की ली ना, वो मुझे बाहर ही 100-150 यूरो में भी मिल रही थी, और क्वालिटी में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो जो ओपन मार्केट है ना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी है शॉपिंग के लिए, बजाय कि वहाँ जा कर आप फैंसी शॉप से चीज़ें खरीदें। और बेस्ट पार्ट है कि आप बार्गेन भी कर सकते हो वहाँ, बार्गेन भी कर सकते हो। और बार्गेन इज लाइक यस, वी डोंट डेयर मच, वुमेन डेयर मच, बिकॉज़ दे कैन आस्क यू नो 15,000 रुपीस पीस ऑफ आइटम इनटू 150 रुपीस एज़ वेल, बट वी डोंट डू दैट। ऐसा ही है, करेक्ट। हां, बट यस, इफ यू आर अ गुड गाय हु नोस हाउ टू बार्गेन, देन यू कैन गेट अ गुड प्राइस, गुड आइटम्स गेट अ गुड प्राइस। मैं तो बहुत बुरा हूं इसमें। मुझे तो जितने मैंने, मेरे ख्याल कल 7-8 हज़ार की वहाँ से शॉपिंग की है, नकली वाली ज्वेलरी, ओरिजिनल सोना सुना नहीं, तो उसमें एक रुपया भी नहीं छोड़ा उसने मुझे, और ना ही मैं उससे छुड़वा सका हूँ। अच्छा, अभी ना मुंबई के मैं इलाके मरबल हिल में हूँ, ये सामने आपको घर नज़र आ रहा है ना, ये है अंबानी का, मतलब इंडिया का जो सबसे महंगा घर है ना, वो इसी एरिया में, और ये मेरे बिल्कुल सामने है। अभी जहाँ एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, जो कायदे आजम का घर था ना मुंबई में, वो भी इसी इलाके में है, यहाँ से मेरे ख्याल 1.5 किलोमीटर है अंबानी के इस घर से। तो कायदे आजम के घर जा रहा हूँ, आपको वो जाके दिखाता हूँ। जिना हाउस है कहीं पे, जिना हाउस, हाँ जी, अंदर जा सकते हैं? जा नहीं सकते, मेरे को नहीं मालूम, मेरे बंद है, जिंदा हो, जिंदा पीछे का ही है ये, क्या पीछे का बंगला ही, ये साथ वाला, वो रेडी कर, एक गेट, एक कंपाउंड के बराबर। अच्छा, चले मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये लग रहा है मुझे जिना हाउस, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बंद पड़ा है ये, लेकिन पूछते हैं इसे, पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। था यही एक तो बंद है, अंदर नहीं जा सकते, दूसरा पिक्चर वीडियोस नहीं ले सकते। अच्छा, और तीसरा ये है कि बहुत अरसे से बंद है, कोई बंदा नहीं अंदर जा सकता, सिर्फ केयर टेकर है वो देख सकते हैं अंदर।
बस मैंने बताया पुलिस वालों को, कहते हैं कि भाई कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से। तो बड़े हैरान हुए, तुम किधर? मैं कहा पाकिस्तान से हूँ, तो जना का घर देख रहे हैं ना, लोकल लोग तो थोड़ी आते होंगे देखने। लेकिन यह इजाज़त नहीं मिली, वीडियोस तस्वीरों की बंद है, जो केयर टेकर है अंदर सिर्फ वो अंदर जा सकते हैं, पुलिस वाले खुद भी नहीं अंदर जा सकते। तो लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से उस ज़माने से ही बंद पड़ा है, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि उसका ख्याल रखा है उन्होंने, उसको अभी तक मेनटेन रखने की कोशिश की गई है। हालांकि इनका उस तरह डायरेक्टली शायद हिस्ट्री से कम तल्लुक है जितना शायद हमारा पाकिस्तानियों को होगा, बट दैट्स नाइस कि वो स्टिल इसकी केयर कर रहे हैं, उसको स्टिल मेंटेन किया हुआ है। अच्छा जनाब, उसका यहाँ पे होना, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था, उस वक्त ये घर बेचा क्यों नहीं गया? क्योंकि जो पाकिस्तान को अलहदा करने का जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलहदा अलहदा स्टेट होंगी, इनका तल्लक आपस में ऐसा होगा कि आप इजीली एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सको। तो उस वक्त भी कायदे आज़म ने यह घर इसलिए नहीं बेचा कि जब वो इस इलाके में आया करेंगे तो अपने घर में रह सकेंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि ये सारे मामला ख़राब कहाँ से हुए? अच्छा, जो एक्चुअल मुंबई के लोग थे ना, वो ये लोग थे मछेरे, मतलब ये एक काइंड ऑफ आइलैंड होता था जहाँ पर ये मछेरे रहते होते थे। बाद में पानी सी लेवल कम होने के वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो आइलैंड ज़मीन के साथ मिल गया, और कुछ शायद उन्होंने मिट्टी डाल के खुद भी मिला लिया हो। तो ये एक्चुअली मुंबई के रहने वाले लोग हैं, बाकी जो यहाँ पे लोग आए हैं ना, वो सारे इधर उधर दूसरी स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। आस्ता आस्ता इतना वो ग्रो कर गया कि अब जो साथ साथ के छोटे मोटे सिटी गांव, वो सारे इस मुंबई के इलाके में आ गए। अच्छा, अगर आप मुंबई में हो और आपने सनसेट देखना हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस। अच्छा, इस जगह का नाम है गिड़गांव चौपाटी। चौपाटी वैसे कहते हैं सी व्यू को, मतलब लग ये रहा है कि जो आधा मुंबई है ना, वो इस एरिया में आ गया सनसेट देखने के लिए। मतलब जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, और जहाँ जहाँ तक ये सी व्यू जगह बनी हुई है यहाँ पे खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, उन लोगों से बिल्कुल भरी पड़ी है। हम भी थोड़ा यहाँ चिल आउट करेंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं। मेरे ख्याल से ये एरिया हमने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है। वैसे तो मुंबई के खाने ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं, अब तक मेरे ज़्यादातर खाने पसंद ही आए हैं, लेकिन मुंबई का स्ट्रीट फूड काफ़ी मशहूर है। कल के दिन मैंने काफ़ी खाने ट्राई भी किए थे, लेकिन क्योंकि आज हम ज़रा मॉडर्न मुंबई वाली साइड पे हैं, तो यहाँ पे ये ठेले ज़रा कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ईरानियन रेस्टोरेंट है, विच इज़ ऑन माई लिस्ट, तो आज का डिनर वहाँ से किया जाएगा। अच्छा जी, आए हैं प्रॉन्स, पहली डिश। अभी मेरे ख्याल दो डिशें और आनी हैं, करें शुरू, ज़रा चेक करें। ये सॉस पता नहीं किस चीज़ का है, पता नहीं लग रहा है इनका कुछ, मिक्स टाइप का वैसे लग रहा है इनका कुछ सॉस। ओके, वेरी गुड, बहुत टेस्टी है ना, सॉस का बहुत मज़ा आया मुझे। मटन सीख कबाब, ये क्या इसके ऊपर चीज़? अच्छा चले ट्राई करते हैं, अच्छा लग रहा है, बल्कि एक उठा भी लें। रोज तो अमेजिंग है। थैंक यू सो मच सर, अभी ये चेक करते हैं फिर पता चलेगा। थैंक यू फॉर इसमें। अच्छा जी, सीख कबाब की चटनी भी अलग है। गुलने वाले हैं मुँह में, चबाने की जरूरत भी नहीं है। बाकी मसालों के साथ साथ ना चीज़ भी डाली है, कास चीज़ साथ इसके एक ग्रीन चटनी, इतने सॉफ्ट है ना, चबाने की जरूरत नहीं है, मुँह में जाते ही घुल रहे हैं। ये क्या चीज़ है? चिकन छोले कबाब। छोले कबाब, चिकन छोले कबाब। ओके, अच्छा टेस्ट भी अच्छा और सॉफ्ट भी बहुत है, फ्लेवर मसाले का टेस्ट टिपिकल। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ ना मिर्चों वाला फ्लेवर नहीं आता, स्पाइसेस का, और हर कबाब का अलग टेस्ट है जो उसके स्पाइसेस हैं।
सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट अमेजिंग। तो जितने भी रेस्टोरेंट ट्राई किए ना मुंबई में, सिवाय दोपहर वाले के, शायद मेरी भूख नहीं थी, लेकिन वैसे वो ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट था, उसमें टेस्ट कम था, फिर उसके अलावा जो सारे रेस्टोरेंट थे ना अमेजिंग, खाने अच्छे मुंबई के। अभी खाना है भाई फालूदा, जो मेरी फेवरेट स्वीट डिश है ना इंडिया की, फालूदा। एक तो गर्मी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है मौसम के लिहाज से, वैसे फालूदा मुझे पसंद है। अभी कोई जगह पता है भाई को जहाँ से अच्छा फालूदा मिलता है, वो जाकर ट्राई करेंगे। अच्छा नाउ आई एम लिटिल लॉस कि मैं किस एरिया में फिर रहा हूँ, लेकिन ये भी काइंड ऑफ फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर ढाबे लगे हुए हैं साइडों पे, लोगों ने खाने की रेड़ियाँ लगाई हुई हैं। माहौल यहाँ भी अच्छा है, यहाँ पे हम स्पेशली आए हैं फालूदा खाने, बाबा फालूदा वाला, उसकी दुकान पे आए हैं, यहाँ से फालूदा खाएंगे। अच्छा बहुत अच्छा, मैं भी ट्राई करता हूँ। ये है जी बाबा फालूदा, रश यहाँ पे भी काफ़ी है। अभी वैसे 11 बजने वाले हैं शाम के, फिर भी दुनिया दड़ा दड़ा के फालूदा खा रही है।